जा धिंदा यस्सु मसीह का कादरना में आपको सलाम पहुंचे। आज वीडियो बड़े दुख के साथ बनाई जा रही है। मैं सारा दिन मतलब के बड़ी मसरूफियत में था और नेट प्रॉब्लम भी थी, मुझे किसी चीज़ का पता ना चल सका क्योंकि बड़ा रास्ता डिस्कनेक्ट हुआ था। तो आज आया हूँ, अभी आया हूँ तो मुझे पता चला और मैंने फिर सारे अपने साथियों से अपने दोस्तों से अपडेट ली तो पता चला कि एक शख्स ने मस्जिद से ऐलान कर दिया कि भाई एक शख्स सलीम नामी शख्स ने कुरान शरीफ की बेहरमती की है। और अफसोस और हैरत की बात यह है कि उसके ऊपर उसने अपना नाम भी लिख दिया, मोबाइल नंबर भी लिख दिया और शनाख्ती कार्ड भी लिख दिया। मैं अपने मुस्लिम दोस्तों से उलमा हजरात से कहता हूं, आप मुझे बताएं कोई शख्स ऐसा घिनौना और ऐसा बदबख्त वाला काम कर सकता है? और अगर करेगा तो अपना नाम और पता लिखेगा? इस बात से आपको सब पता चल जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि पुलिस को चाहिए कि सबसे पहले उस शख्स ने जिसने मस्जिद में जाके ऐलान किया, लोगों को तशद्दुद के लिए उकसाया, उसको सबसे पहले शामले तफ्तीश किया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा और हकायक पता चलेंगे कि इसके पीछे क्या है। और उस औरत ने जिसने कहा जी मैं वॉक के लिए जा रही थी, ये भी पता चल रहा है कि जी वॉक के लिए जा रही थी और मैंने ये कुरान शरीफ के सफात जो है मैंने शहीद होते हुए देखे, तो मैं सब उसको भी शामले तफ्तीश किया जाए क्योंकि किसी बंदे ने उसको देखा नहीं है। बल्कि एक मुस्लिम रिपोर्टर वहां यूट्यूबर वाला गया हुआ है, उसने जब लोगों से पूछा तो कोई कह रहा है जी हमें पता चला है कि जलाए गए हैं, कोई कहता है जी फाड़े गए हैं, मतलब कि किसी बंदे के पास कोई कन्फर्म रिपोर्ट नहीं। तो ये सारी चीजों को आप देखें तो आपको सच का पता चल जाएगा और इसके पीछे जो मकसद है वो जाहिर हो जाएंगे। आप मुझे बताएं, क्रिश्चियन ने तो आज तक कभी किया नहीं, इंडिया में देखें हजारों चर्चेस जला दिए, पाकिस्तान में हजारों चर्चेस जला दिए जाते, लेकिन आप कोई ऐसा क्रिश्चियन ममालिक बता दें जहां क्रिश्चियनों ने हिंदुओं के साथ या मुस्लिम्स के साथ ऐसा किया हो। बल्कि अगर कोई मुस्लिम भी यूरोप के अंदर ऐसी हरकत करते हैं तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसके साथ मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक मस्जिद के मौलवी ने कुरान शरीफ की बेहरमती की और इल्जाम लगाया कि इस बच्ची ने जो नफसियाती मरीज है क्रिश्चियन उसने ये हरकत की है। जब अहमद मीर साहब ने पूछा तो उसने कहा जी मैंने ये खुद किया था ताकि इसलिए किया ताकि ये क्रिश्चियन डर के यहां से भाग जाए, तो उस मौलवी के खिलाफ तो किसी ने कार्रवाई नहीं की, उसने कुरान शरीफ को शहीद किया, उसके खिलाफ तो कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ। तो आप देखिए हम नहीं करते, हम हमेशा दुआएं देते। क्रिश्चियन मजहब अमन का मजहब है, प्यार का मजहब है और आप हम पे जुल्म करते हैं, हम आपको प्यार और मोहब्बत निछावर आप पे करते हैं और आपको बताते हैं, हम आपके लिए दुआएं करते हैं, लेकिन आप बार बार हमें इस तरीके से करते हैं। ये आज के वाक्य ने मसीह यस्सु की वो पेशन को पूरी कर दी कि मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, तुम्हें अजियतें देंगे, तुम्हें तकलीफें देंगे, मारेंगे, और आज देखिए वो पेशन को फिर पूरी हो गई। तो मैं अल्लाह हुकाम से अपील करता हूं कि खुदारा इन लोग जुनूनी लोगों के आगे सरेंडर ना हो, आप फौरी तौर पे वहां कर्फ्यू लगा दें, वहां कर्फ्यू लगा दें। और जिन लोगों ने चर्चिस 25 से ज्यादा चर्चिस को आपने तबाह कर दिया, हजारों बाइबलों को आपने जला दिया सिर्फ एक बंदे की जाति अना के ऊपर, जिसने जाति इल्जाम लगाया, जिसने कोई सबूत पेश नहीं किया। होना तो यह किया जब वो मस्जिद में ऐलान कर रहा था वो शख्स, तो इलाके का बंदा उठता और उससे जाके माइक लेता और उससे पूछता, हां भाई तूने देखा ये? अगर देखा तो चल हम तेरे साथ पुलिस स्टेशन में जाते हैं। मौलाना फजलुर्रहमान साहब कहते थे कि ये कानून इसलिए ताकि लोग कानून को हाथ में ना ले। अब मैं मौलाना फजलुर्रहमान साहब से पूछता हूं कि कानून तो लोग हाथ में ले रहे हैं तो फिर इस कानून का क्या फायदा जब लोग कानून को खुद हाथ में ले रहे हैं? तो खुदारा आप अगर इस कानून को तब्दील नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो आप क्रिश्चियनों को तहफुज नहीं दे सकते, मिनोरिटी के साथ आप इंसाफ नहीं कर सकते, तो आप मिनोरिटीज के लिए एक अलग सूबा ही बना दें जहां वो अमन अमान से रह सके। हम आपसे कोई गिला नहीं करते क्योंकि आप हमें तहफुज देने में पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। मैं पाकिस्तान के बाहर जितने क्रिश्चियन हैं उनसे भी कहता हूं कि आप जिस मुल्क के अंदर हैं वहां आप एम्बेसीज के आगे जाके भरपूर एहतजाज करें। ओ खुदा के लिए रोए, आपकी बहनें बेघर हो गई हैं, आपके चर्चिस जला दिए गए हैं, आपकी बाइबलों की बेहरमती की गई है, आप बाहर बैठे हुए क्या कर रहे हैं? अगर आप एहतजाज भी नहीं कर सकते, आस्तर को भी खुदा ने इसीलिए महल में भेजा था कि बनी इसराइल कौम को बचा सके, आपको भी शायद खुदा ने यूरोप में इसलिए भेजा है कि आप अपने लोगों के लिए आवाज उठा सके, तो आप आवाज उठाएं। और कल हम 4 बजे कराची प्रेस क्लब में अपने जोड़ा वाले के भाइयों बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए और उनके साथ उन्होंने जुल्म पे एहतजाज करें। तमाम मसीही अवाम से अपील करता हूं कराची की कराची प्रेस क्लब में कल 4 बजे पहुंचे और ताकि अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अगर आप मसीह से प्यार करते हैं, अगर आपको बाइबल की इज्जत और हुर्मत का ख्याल है, तो कल आप घर पे नहीं बैठेंगे, कल आप 4 बजे कराची प्रेस क्लब में होंगे। खुदा हूं आपके साथ हो।